माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक चलने वाले राजिम कुंभ कल्प का शनिवार को महामंडलेश्वर रामकृष्णन महाराज अमरकंटक की उपस्थिति में राजिम कुंभ कल्प का शुभारंभ किया गया। इस दौरान धर्मस्व पर्यटन संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, वरिष्ठ मंत्री रामविचार नेताम, मंत्री टंकराम वर्मा सहित सांसद विधायकों ने भगवान राजीव लोचन मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की और गंगा आरती में शामिल हुए, जिसके बाद मुख्य मंच में संत समाज का स्वागत कर उनके आशीर्वाद से राजिम कुंभ कल्प की शुरुआत की गई। इस दौरान मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने मीडिया से मुखाताबिक होते हुए कहा कि प्रत्येक वर्ष होने वाले राजिम कुंभ कल्प छत्तीसगढ़ को पूरे देश दुनिया में अलग पहचान दिलाएंगे। संतों के आशीर्वाद से राजिम कुंभ कल्प का एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। साधु संतों को मैं प्रणाम करता हूं कि उनके आशीर्वाद से 5 साल की प्रतीक्षा के बाद पुराने वैभव के साथ फिर से राजिम कुंभ कल्प की शुरुआत हुई है। आज शुरुआत हुई है, 3 तारीख से संत समागम होगा और ये संत समागम जो है छत्तीसगढ़ में अमृत वर्षा करेगा और छत्तीसगढ़ के विकास में भागीदार बनेगा और राजिम कुंभ कल्प छत्तीसगढ़ को पूरी देश दुनिया में एक पहचान दिलाएगा। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़, हर पल हर क्षण हर सच।